हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल। माय नेम इज मनोरमा। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो और इस जॉब को अपडेट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। जहाँ पर गाइस देखो, मेरे ख्याल से हम सब के कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक एंटीवायरस सिस्टम होती है जिसका नाम है क्विक विल। मेरे ख्याल से 80% लोग हैं जो क्विक विल को यूज़ करते हैं, बट क्या आप उसके बारे में, उसकी जो स्टोरी है वो जानते हो? एक्चुअल में दो भाई थे जिनमें से एक था जो ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम में जो वो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करता था। लेकिन तब जो एंटीवायरस सिस्टम यूज़ किया जाता था वो सब जो बनाए हुए थे वो सारे फॉरेन कंपनीज के थ्रू में आते थे। उसी टाइम पर ये जो काम कर रहा है बंदा, उसका ऑलरेडी एक भाई एक कंप्यूटर साइंस की जो पढ़ाई कर रहा था, उसने अपने भाई को एक बार बोला कि भाई तो ऐसा एक एंटीवायरस सिस्टम बना दे जो अपने इंडिया का हो और जो जिसके लिए हमें फॉरेन कंट्रीज से उसे परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उस बंदे ने ऐसा एंटीवायरस सिस्टम बनाया जो कि आजकल मेरे ख्याल से हमारी पूरी दुनिया में ये एंटीवायरस सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। दैट इज अ क्विक हिल। ओके, एंड गाइज यू हैव टू गेस द नेम ऑफ दैट पर्सन हु हैव इन्वेंटेड द क्विक हिल एंटीवायरस। और मुझे बहुत कहने में और एक प्राउड फील होता है कि यस, जो जिस इंसान ने इसको बनाया इस क्विक हिल को, वो एक महाराष्ट्रियन है। सो गाइज, जो नेम है उसको प्लीज एक बार मुझे कमेंट डाउन जरूर करना ताकि मैं देख सकूँ कि कितने लोगों को पता है कि एंटीवायरस सिस्टम के फादर कौन है। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं आज की जॉब के अपडेट के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं गाइज आप लोगों के साथ में दो जॉब अपडेट शेयर करने वाली हूँ। एक जो है वो हमारी सबसे अच्छी जो कंपनी है दैट इज द जियो की तरफ से आई है, जो कि 13 आवर्स पहले ही यहाँ पर आ गई है गाइज। और जो काम है यहाँ पर वो है एक एडवाइजर का, एक यस ऑफकोर्स एक हमारे जो ऑपरेशन से रिलेटेड, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है, वही जॉब प्रोफाइल यहाँ पर आया है। और कल ही अपडेट हो गया तो 12 घंटे ही हो गए हैं। यहाँ पर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्वालिफिकेशन 12th पास हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, भुवनेश्वर, लखनऊ और जमशेदपुर के लिए ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर फिलहाल के लिए पोस्ट हुई है। धीरे धीरे करके इंडिया में हर जगह के लिए, हर लोकेशन के लिए ज़रूर आ जाएगी। ओके, सैलरी का रेंज जो है ना गाइस यहाँ पर वो 2 से लेकर 2.5 लाख के बीच में यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है। ओके, इसके लिए आप लोगों को चाहिए गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पर आपका काम क्या होता है तो आपको सब जानते हो कि जियो के जो कस्टमर्स होते हैं उनके जो क्वेरीज होते हैं उसको आपको यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। 6 डेज का वर्किंग है, 24/7 डेज रोटेशनल शिफ्ट में आप लोगों को यहाँ पर काम करना है और एक दिन की आप लोगों को छुट्टी मिल जाती है। इमीडिएट ज्वाइनिंग का लिखा हुआ है यहाँ पर। जो जॉब अपडेट मुझे मिला है वो naukri.com के थ्रू में मिला है। यहाँ पर इन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, एक HR का नंबर जो है यहाँ पर शेयर किया, वही नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप लोगों को उनको व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है। ओके, 12th अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, लेकिन एज का क्राइटेरिया है कि आपका 40 के नीचे एज यहाँ पर होना चाहिए और खुद का कंप्यूटर का सिस्टम होना चाहिए और आपके पास में 10 Mbps का वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस जॉब प्रोफाइल के लिए। और अप्लाई आप घर पर बैठकर कर सकते हो। इंटरव्यू का कंप्लीट जो प्रोसेस है वो घर पर होने वाला है। और अगर HR से आप लोगों की किसी की भी बात होती है या कोई भी यहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो मुझे एक बार कमेंट डाउन जरूर करना गाइस। जो सेकंड जॉब प्रोफाइल है ना गाइस, दैट इज फ्रॉम द किंड्रल। अब ये किंड्रल क्या है, तो एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी है। डू यू नो गाइस, किंड्रल जो है ना वो पहले IBM में थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कुछ साल पहले यहाँ पर यहाँ से स्प्लिट हो गई है IBM की तरफ से। अब क्योंकि उन लोगों को फोकस कर रहा था मोर ऑन AI, तो उन्होंने IBM से झगड़ा कर वो अभी एक स्प्लिट हो गए। तो एक खुद की कंपनी, खुद का इनका प्रेजेंस जो है यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर जो एक प्रोफाइल आया है दैट इज रिलेटेड टू होम जॉब अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए लेकिन गाइज आप लोगों के पास में क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी का रेंज जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, 3 से लेकर 6 लाख पर एनम का यहाँ का सैलरी का पैकेज दिया गया है। सेम है, मैंने लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की, आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हो कि इन लोगों को क्या क्या चाहिए। बेसिकली कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है तो कस्टमर की क्वेरीज को ही मेनली आप लोगों को सॉल्व करना होता है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को इनके जो डेस्क के काम होते हैं, सर्विस डेस्क वाले जो काम होते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। इंग्लिश का डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। और एज अ फ्रेशर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की है। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ये प्रोफाइल है, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप वहाँ पर भी जाकर डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना गाइस, जो रिज्यूम आप यहाँ पर दोनों भी प्रोफाइल्स पर डाल रहे हो वहाँ पर ये इन लोगों ने जो स्किल सेट मांगा है वो स्किल सेट इसमें जरूर डाल देना ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो। और किसी को भी अगर जानना है कि जियो की इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है या फिर किंडरली की इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है, तो एक बार मुझे कमेंट डाउन जरूर करना क्योंकि दोनों चर के साथ में मेरी बात हो गई है तो आई कैन एटलीस्ट गिव द आई क्विक हिल के नाम यहाँ पर कमेंट डाउन करना। मिलते हैं हमारे